आप सभी को नमस्कार। मैं गुरजीत सिंह, उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान से। आज हम देखेंगे हॉपर सिस्टम। हॉपर सिस्टम कैसे काम करता है, हॉपर सिस्टम थर्मोसाइकल सिस्टम। इसमें देखिए ये हमारा क्या है, VST का पावर टिलर है। इसमें देखिए यहाँ पे हॉपर सिस्टम लगा हुआ है कूलिंग सिस्टम के लिए। ये वाटर कूलिंग का एक प्रकार है। इसमें देखिए यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है, ऊपर ये प्रेशराइज्ड कैप लगा हुआ है। तो इसमें कूलिंग सिस्टम कैसे काम करता है, इसका एक साइड जो होता है वो सिलेंडर लाइनर के साथ टच रहता है, और जैसे जैसे सिलेंडर लाइनर के अंदर हीट जनरेट होती है तो उससे क्या, जो पानी सिलेंडर लाइनर के टच में आता है वो गर्म होकर घूमना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि गर्म पानी हल्का होता है तो ऊपर आ जाता है, और ठंडा पानी भारी होने के कारण नीचे चला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं थर्मोसाइकल सिस्टम। हॉपर सिस्टम में क्या है, इसमें देखिए इसमें सिर्फ हॉपर लगा हुआ है सिलेंडर लाइनर के साथ। यहाँ पे एक पंखा दिया गया है जो कि उसको ठंडा करने के लिए यूज किया जाता है। जब पानी गर्म होगा उसमें स्टीम के रूप में रिलीज होगा, तो यहाँ से एक ओवरफ्लो पाइप दिया गया है जो यहाँ जाके कहाँ जा रहा है, देखिए रिजर्वायर में। जितना पानी स्टीम के रूप में प्रेशराइज्ड होकर बाहर जाएगा तो पूरा क्या होगा, दोबारा से वो रिजर्वायर में चला जाएगा, और जैसे हम इंजन को बंद करेंगे तो वहीं से रिकवरी कर लेगा। बाद में इंजन ठंडा होने के बाद पूरा वाटर वहीं से रिकवरी होके वापस हॉपर में आ जाएगा।